ना पड़ा हुआ यजमान पड़ा बराबर और पड़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। वन सेकेंड, घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप पर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। श्री घनश्याम तिवारी माननीय तिवारी जी, जी योर 15 मिनट्स। अब एक 21 तो करो, ये तो अपनी पार्टी को कहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रारंभ करूं उसके पहले कहना चाहूंगा कि मेरे सामने एक समस्या आ गई। जैसे उन्होंने गांव की दो कहावतें बताई थी, हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। वन सेकेंड, घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी, हालात बदल गए हैं। ये लागू हो रही है तो सभापति प्रोफेसर, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ पेंट ऑफ फीलिंग। ये सभापति महोदय तिवारी जी पर इस बात का ध्यान रखिए, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप पर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।